नमस्कार दोस्तों, कुछ हमारे स्टूडेंट और उन्होंने कहा सर क्लास सेवन का ही कुछ बना दो। तो आज हम क्लास सेवन का बनाएंगे, चैप्टर नंबर पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो एक सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, वो न्यूज़ है कि मैंने अपने चैनल का नाम एग्ज़ाम स्कोर कर दिया। क्योंकि बहुत सारे नाम सोच रहे थे क्या नाम रखे क्या ना, जो भी नाम रखते थे वो सर्च करते थे वो नाम, उससे उस नाम से 5-6 यूट्यूब चैनल थे। जैसे एग्ज़ाम स्कोर रख दिया अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए रख दिया, कुछ दिनों के बाद आप लोग सजेशन करेंगे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं। अभी बहरहाल मुझे एग्ज़ाम स्कोर बनना है, नए क्लास से नया चैनल का नाम। और सभी लोगों जो मेरे 8 क्लास के स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ करके इन बच्चों को बताएं, अपने सिस्टर हों या अपने फ्रेंड हैं उन सर्कल में सभी को बताएं कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो बार बार रिवीजन करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को शेयर करें, वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं पेरीमीटर ऑफ एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर में देखो दो चीज़ें बताऊँ, ये देखो ये हमारा कोई सेफ है, कोई भी सेफ है, ये कोई भी सेफ है। ये इसका मान ले रही है 4 मीटर है, ये 5 है, ये मान ले रही ये भी 4 है, बराबर 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है? यहाँ से चलना स्टार्ट किया किसी बंदे ने, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया 5 मीटर, मीटर भी लिख लो, यहाँ से चला 5 मीटर, यहाँ से चला 5 मीटर, और ये 5 मीटर, इसी चार अराउंड की जो दूरी है उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर निकालें, तो स्क्वायर के लिए देखो ये हमारी क्या है, ये लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है, तो इसका दोनों का ये वाली साइड और ये वाली साइड का मल्टीपल होगा, ये हमारा एरिया निकल आएगा, ये 5 × 4, ये हमारा एरिया निकलेगा 20 मीटर। ठीक है, तो एरिया इसे पेरीमीटर बोलते हैं, इसे एरिया बोलते हैं, दोनों साइड का मल्टीप्लाई, जो हमारा एरिया होता है इसे एरिया बोलते हैं, ये एरिया होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो आसपास चलते हैं उसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पेरीमीटर एरिया। देखो दो फार्मूले याद रखना, अभी इस एक्सरसाइज में दो ही फार्मूले आपके होंगे, एक हमारा रेक्टेंगल का होगा, एक हमारा होगा स्क्वायर का, बस दो ही फार्मूले, पर दो फार्मूले हैं, मैं दो फार्मूले यहां लिख दे रहा हूं। एक लिख रहा हूं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया का, एरिया होता है L×B। ठीक है, और पेरीमीटर का, इसी का पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर। टू एल प्लस बी। अब दो फार्मूले और बचेंगे, ये एक हमारा स्टार बना के ये फार्मूला हो गया, और एक स्टार बना के ये फार्मूला हो गया। फार्मूला चलो यहाँ लिख देते, एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ, समझ में आ रहा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4×, इसका फिगर ऐसे होता, इसका फिगर ऐसे होगा, इसका जो फिगर होगा वो हमारे अराउंड, ये हमारा बी होता है, ये हमारा ए होता है, इसमें ये साइड सभी साइड सेम होती है। ठीक है, ये सामने सामने की साइड सेम होती है, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। ठीक है, ये फार्मूले। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया,
फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने टेबल ये बना दिया, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, टेबल देखते ही सॉल्व करें। तो हमें जो वैल्यू दी वो हम गिवन लिखते हैं, गिवन दैट जो हमें वैल्यू दी है, क्या दी है ये, गिवन दैट हमें क्या दिया है, देखो जो सिंबल होते हैं इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बी से करते हैं, ठीक है, इसे ए या बी से करते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एल बराबर हमारा कितना दिया, फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का आंसर है, पहले का फर्स्ट है, इधर देखना, ठीक है, पहले का फर्स्ट क्या है, एल बराबर कितना दिया, 5 मीटर दिया, ठीक है, और हमारा दिया क्या, एरिया, एरिया दिया, तो हमारे बी पूछा गया हो, ठीक है, एरिया दिया, एरिया कितना दिया, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमें पेरीमीटर पूछा, दो चीजें पूछी, ब्रेथ पूछी और पेरीमीटर पूछा। ये जो हमारा फिगर है वो किसका है, रेक्टेंगल का टेबल है, ठीक है, रेक्टेंगल का टेबल है, रेक्टेंगल के लिए क्या मान, जो हमें वैल्यू दी, ध्यान रखना, जो हमें वैल्यू दी जाए उसी का फॉर्मूला पुट करना है, जो हमें वैल्यू दी जाए इसमें से दो में से किसी एक की वैल्यू दी गई, जिसकी वैल्यू दी है उसी का फार्मूला पुट करना है, ऐसा ध्यान रखना। तो हमें क्या लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया, 15 एल, एल की वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, 5 रख देंगे बी, अब बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 का डिवाइड होगा 15 अपॉन 5, 5 से 3 टाइम्स कटेगा, तो बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बी बराबर 3 आ गया, तो हमें बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फार्मूला देखो, वो रखा पेरीमीटर फार्मूला क्या हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b, 2l की वैल्यू कितनी है, 5 और ये 3, 2 × 8 = 16, 16 मीटर, तो हमारा क्या आ जाए, 16 मीटर आ गया, ये पहला टेबल फिल हो गया। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे, ठीक है, दूसरा करेंगे, ये हम फार्मूला वैसे ही लिख दे रहे, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो हम लिखते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, जो भी वैल्यू दी जाएगी वो लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हमें किसकी वैल्यू दी, फिर दी गई 5 सेंटीमीटर, अब की बार हमें क्या दे दिया, पैरामीटर दे दिया, कितना दे दिया, पैरामीटर 24 cm, ठीक है, अब पैरामीटर बराबर हम दे देंगे, कितना दे दिया हमें पैरामीटर बराबर 24, अब ऐसे 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, ठीक है, 12 बार कट जाएगा। अब देखो एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो एल की वैल्यू कितनी है, 5, 5 + b = 12, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 7, 7, b की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 7, 7 आ गई, हाँ 7 ही आएगी, ठीक है। अब एरिया, एरिया कितना होता है, एल इंटू बी, एल हमारा कितना है, 5, बी कितना लगा, 7, तो हमारा क्या एरिया कितना लगा, 35 cm², ये हमारा 35 आ गया, 35 आ गया cm², ठीक, ऐसे ही। अब देखना तीसरे का, देखना हाँ मैंने डाला नहीं था ये तीसरा, ठीक है, तीसरे में क्या दिया हमें, जो दिया उसकी वैल्यू हमें पुट कर दी, ठीक है, जो हमें दिया है, ठीक है, ठीक
चलो इसमें हमें क्या दे दिया, ब्रेथ दे दी, ब्रेथ हमें कितनी दे दी, ब्रेथ लिख लेते हैं 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है 9.5 लिख ले रहे हैं। उसके बाद हमें क्या दे दिया, पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर हमारा 49 सेंटीमीटर। अब देखो 49 रखेंगे, इससे इसको काटेंगे, एल की जगह कितना, एल तो दिया नहीं, नाइन बी, एल निकालना, बी की वैल्यू कितनी है 9.5। अभी कितना बचेगा, ये हमारा होगा 24.5। एल बराबर कितना हो जाएगा, इसे जब वहां से माइनस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी 15 सेंटीमीटर। अब ये एरिया चाहिए, एरिया का एल इंटू बी, एल हमारा कितना 15 निकला और बी कितना निकला हमारा, बी तो हमारा दिया गया 9.5। ये करेंगे 15 5 जा 75, 7 कैरी 135, 2 ये आ जाएगा 142.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखें, आपका ही प्रॉफिट होगा, आपके भाइयों बहनों का हमेशा ही रहेगा परमानेंट। अगर जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं या नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इतनी दूर पर हैं नहीं जा पाते, वो यहाँ से देख देख के अपना काम चला लेंगे, काम भी चला लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया, हमारा ब्रेथ दिया 30 सेंटीमीटर, हमें क्या दिया, अब की बार क्या दे दिया, हमें एरिया दी, एरिया कितने दे दिया, ये दे दिया 40 80 बराबर एल इंटू बी दे दी। ठीक है, अब पता है एल की वैल्यू हमें कितनी दे दी, सॉरी गलत दे दिया, सॉरी ये हमारा इतना दे दिया और ये हमारा 30 दे दिया। ठीक है, बी की वैल्यू 30, तो बी की वैल्यू देखो 48 0 बराबर एल इंटू 30, इससे ये कट जाएगा और ये कितने बार कटेगा, एल बराबर 16 सेंटीमीटर, एल बराबर 16 आ गया, एल बराबर 16। ठीक है, बस यहाँ का वॉल्यूम 2 × 16 + 30, 2 × 46, अभी दोनों का मल्टीप्लाई कराने का 8 9, सॉरी 12, यही आ गया 92 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इन्हीं क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने फिल करा दिए, हमारा गया 92 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों आपके काम की चीज लग रही है तो जरूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे हमें और क्लास बनाने के लिए तुम लोगों से थोड़ा हेल्प मिले। ठीक है, चलो आप इसको रख कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से इस चीज़ को देख लीजिए, फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको बता दिया, ये मेरे नंबर है, आप जब क्या तब हम पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनसे पूछ लेना। ठीक है, अगर ये हाँ ये इसको मिटा देते हैं, कोई फायदा नहीं, इसको इसको मिटा, और ये वाला फार्मूला में यहाँ ले जाना। ठीक है, ये वाला फार्मूला में यहाँ ले जाना। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, इसका फिगर यूं होता है। ठीक है, ए ए ए, ठीक है, ये बराबर। ठीक,
अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि एक हमारा पैरामीटर ऑफ एरिया निकाल लो, पैरामीटर ऑफ एरिया निकालो। एक हमें फिगर बन दिया, हमें एक हमारा ये फिगर दिया, ये फिगर दिया पी क्यू आर एस, ये क्या है स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। तो ये साइड और ये साइड और ये साइड, चारों साइड इक्वल होगी, ठीक है। अब ये स्क्वायर, अब इसमें दिया क्या है, हमें दिया पी क्यू पी क्यू पी क्यू और क्यू आर, यानी कि ये साइड कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, सभी 20 20 सेंटीमीटर दिए। तो अब क्या निकालना हमें, सबसे पहले क्या एरिया निकालना, एरिया निकालना सबसे पहले। तो एरिया उसका क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है स्क्वायर, ए का मतलब होता है साइड, साइड का स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, जो भी साइड हो। साइड हमारी कितनी थी 20 दी है, क्वेश्चन में दी गई है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और जो भी हमें यूनिट दी उसे स्क्वायर, फुट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 साइड की वैल्यू कितनी है 20, तो हमारा क्या है 80 सेंटीमीटर, हमारा क्या आया पेरीमीटर आ गया, ठीक है समझ में आ गया। जो दी वैल्यू पुट फार्मूले में पुट करना था, और कुछ नहीं करना था, फार्मूले में पुट करके आंसर निकालना था, ठीक है। चल अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नहीं डाल पाते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। ये हमारा क्या दे दिया पी क्यू क्यू आर बराबर 1.2 मीटर, तब इसमें क्या कह दिया 1.2 1.2 1.2 और 1.2, ठीक है। तो बस सेम सेम ना, सेम वही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 1.2। अब इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है कैसे करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसका 12 का स्क्वायर 1.44 ये होता है। अब 1.1 डिजिट के बाद लगा, पीछे से डिजिट के बाद लगा, तो स्क्वायर में 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, बस यही आंसर। और जो भी मीटर दिया मीटर का स्क्वायर, बस यही होता। अब पेरीमीटर निकालना, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी पार्ट, इसी का पेरीमीटर ऑफ 4 इंटू साइड, और 4 साइड करनी है 1.2, तो कितना हो जाएगा 4.48, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किट्स वैली के दो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं, एक का नाम प्रियांश है और दूसरे का नाम राधे, राधे नानू बोलते हैं, ठीक है।
दोनों हमारे पास पढ़ते हैं, उन्होंने कहा सर वीडियो बना दिया करो, तो मैं बार बार देख के थोड़ा सहयोग कर लूँगा, ठीक है। उनसे आप पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कैसे क्या सर्च करना, ठीक है। चलो ऋषि, हाँ उसका नाम ऋषि है, ऋषि मिश्रा है और एक प्रियांश है, ठीक है। वो दोनों हमारे पास पढ़ते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछ लिया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर निकालना स्क्वायर का, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सबसे फर्स्ट क्या दिया, एरिया दिया, एरिया दिया कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एरिया किसका दिया, स्क्वायर का दिया, हम ऐसे लिख सकते एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख, एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर बराबर कितना दिया, व्हाट इज, हमें निकालना क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड, 4 × साइड होता है, हमें साइड की वैल्यू, हमें स्क्वायर की वैल्यू, साइड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके ना इसमें भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसके वैल्यू पर स्क्वायर आया तो साइड का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 8 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, बस स्क्वायर का स्क्वायर कट गया, साइड बराबर क्या आ जाएगी, साइड बराबर 8 आ गई, 8 उठा के यहाँ रखना है, 4 × 8 कितना है, 32 सेंटीमीटर, बस यही है और कुछ इसमें नहीं है। ऐसे सेकंड वाला भी हो जाएगा, सेकंड वाला भी देख लेते हैं, सेकंड वाला भी, ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाले में क्या दिया, 196 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही 196, ठीक है। अब ये किसका है, 196, ये हमारा साइड 14 का है, तो साइड बराबर क्या आ जाएगी, साइड बराबर 14 निकल आएगा, ठीक है। अब इस 14 को उठा के हमें यहाँ पुट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे 4 × 14 56 सेंटीमीटर, ठीक है, 56। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या क्या, थर्ड ये एरिया, हाँ जी दिया 2.25 मीटर स्क्वायर, ठीक, 2.25। अब ये साइड डरने की बात नहीं, बस आराम से हो जाएगा, ये कितना है, 225 किसका है, ये हमारा 15 का है। अब स्क्वायर में एक के दो के बाद लगता है, रूट में दो की जगह एक के बाद आ जाएगा, ये हमारा एक के बाद आ जाएगा, बस। तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5, 1.5 आ जाएगी, यहाँ 1.5 हो जाएगी, 4 × 1.5 ये हो जाएगा 60 पॉइंट 60 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा मीटर, हो गए। क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को एक बार फिर मैं कह रहा हूँ शेयर करो, छोटी छोटी कोशिश से ही आदमी इंसान आगे तक बढ़ता है। हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं कुछ ये ऐसे पेन पकड़ में भी नहीं आता था, पेन पकड़ना सीखा, फिर कैसे सोचते थे लिखेंगे कैसे, लिखना भी सीख गए, और फिर कैसे कुछ क्या करेंगे, तो धीरे धीरे ही चीज़ें
चीज़ों को सीख सकते हैं। तो बस छोटी सी कोशिश है, अगर थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं मेरे वीडियो में तो आप छोटे भाई बहनों समझ के माफ़ कर देना और बता देना, मैं आगे से इसको ध्यान रखूंगा। ठीक है, एक बार देख लो वीडियो चल रहा कि नहीं चल रहा। वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इन 20 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देखो दे दिया, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 20 सेंटीमीटर, बस 20 सेंटीमीटर लिख लिया। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड बराबर 20 साइड, ठीक है साइड, इसे काटेंगे 5, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब क्या एरिया पूछा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, 4 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब 4 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 8 किलोमीटर, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 8 किलोमीटर दिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 8 किलोमीटर दिया। अब मैं बता 4 × साइड बराबर, सॉरी 8 किलोमीटर, ठीक है। अब इसे 4 से काटेंगे तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर। हाँ एक चीज और इसमें क्या है, हेक्टेयर, तो हेक्टेयर हम निकालने के लिए जब 10 का मल्टीपल, साइड की वैल्यू क्या रहेगी, 20 HD हेक्टेयर, ठीक है लिख दे रिपोर्ट, ठीक है हेक्टेयर, ठीक है हेक्टेयर, ठीक है 20 हेक्टेयर। अब बस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता, साइड का स्क्वायर, और साइड हमारा क्या 20, 20 का स्क्वायर यानी 400 हेक्टेयर स्क्वायर, ठीक है ये आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा चेंज था, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा ये जो यूनिट है ये किलोमीटर हेक्टेयर में बदल गया, ठीक है। चलो 20 हेक्टेयर और 2 किलोमीटर होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक अब मेटल प्लेट, एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, एक जो मेटल है उसकी प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है उसका क्या दिया, 12 और 32 ऐसे स्मॉल स्क्वायर में कट किया है, उसकी लेंथ क्या है, तो स्क्वायर की लेंथ क्या है, स्क्वायर की साइड क्या है, SQUAR स्क्वायर ऑफ अ साइड बराबर क्या, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितने स्क्वायर ऐसे हम काटे हैं तो कितने स्क्वायर बनेंगे, तो देखो एरिया ऑफ प्लेट
ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट, उसके बाद किसकी प्लेट है, मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट, एरिया ऑफ स्क्वायर, मेटल प्लेट बराबर नंबर ऑफ स्क्वायर, ए नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर, लेड बराबर एन, ठीक है, एन टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, अब मेटल का एरिया क्या होता है, एल इन टू बी, ठीक है, नंबर ऑफ एन साइड, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर का एल इन टू बी, 12 इंटू 32 एन इन टू, ये क्या 4 का स्क्वायर, साइड की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, 4 रख दी, 12 इंटू 32 ये कितना हो जाएगा, एन सॉरी सॉरी 16, ये कटेगा 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ एन बराबर क्या आएगा, 12 2 24 स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 24, ये आंसर। जब कटेगा ऐसे देखो, ऐसे काटेंगे यहाँ पे, ये कितने बार कटेगा, 1 2 3 4 कट गया, फिर कितने बार कटेगा, एक कटेगा 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, इसको जब काउंट करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ 24 आएगा, ऐसे ही कर रहे हैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये थोड़ा अच्छा होगा, ये पैटर्न होगा, ठीक है, चलो क्वेश्चन हम चलते हैं 6 पे। पहला वीडियो अगर अच्छा आप लोगों को लगे तो मैं आपके और वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे करके मैं सारे वीडियो बना लूंगा, आप जब रिस्पॉन्स जितना अच्छा करो उतने ही जल्दी उतने ही अच्छे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्लास में जहाँ आपको मिले आप रिवीजन घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए लार्जर एरिया बाय हाउ मच, ठीक है, तो जो एक हमारा रेक्टेंगल है दो साइड बनी है, दो है, एक हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, एक हमारा स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल उसकी साइड कितनी है, 24 17, और ये हमारा 21 स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ठीक है, किसका एरिया ज्यादा है और कितना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, बस ये तो सिंपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी, 24 इंटू एट, ठीक है, आ गया, ये हमारा क्या मीटर में, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, साइड का स्क्वायर, साइड हमारे कितनी है, 21, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 1, ठीक है, 4 4 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको आपको दिख रहा है किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर है लार्ज एरिया बाई कितना है, इसको माइनस करोगे तो ये मारा जाएगा 6,
441 और एक 406, ये 5 यहाँ से कैरी लू तो क्या 5 ये 35 हो गया, ये 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर चेक कर ओके। यहाँ कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, यार सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 8 होगा सॉरी। ठीक है सही कर लेना, सॉरी यहाँ 8 होगा, तो 8 में से यहाँ 8 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा सॉरी। ठीक है, मैं लग रहा था डाउट लग रहा तभी मैंने मैंने एक बार चेक कर लिया। ठीक है 8 होगा, ठीक है इसका मतलब है। ठीक है थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक तो हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा द एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना इतना वन साइड इतना, फाइंड द अदर साइड। ये भी सर ट्रायंगल का फील्ड ये दे दिया हमें, फील्ड दे दिया द एरिया ऑफ ट्रायंगल फील्ड। ठीक है एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल फील्ड, ठीक है कितना दे दिया हमें, ये हमारा फील्ड कितना दे दिया, हेक्टेयर दे दिया। ठीक है ठीक है, इसे चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है ये इतना आ जाएगा, ठीक है बस सॉल्व करना, वन साइड कितनी दे दी मीटर, तो अदर साइड कितना दे आंसर दे। अब देखो एरिया बटेंगे क्या, एल इंटू बी बराबर 5000। ठीक है अब इसे हमें क्या दे दिया, हमें एक वन साइड दे दी, कोई भी साइड दे दी, फिर से ने किया एक साइड दे दी कौन सी, तो हम ऐसे रख दें 12.5 इंटू बी 500। ठीक है अब बी बराबर 5000 सॉरी 5000 इंटू 12.5, इससे काटेंगे तो ये 400 बार कटेगा, ये हो गया। तो बस सिंपल था ये मैं खाली ये प्रॉब्लम था, इसे हम चेंज करें तो इतना आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि देखो ऐसा होगा होता है क्या, देखो इसे चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कि हेक्टेयर से वन हेक्टेयर बराबर होता है 100 मीटर, 100 मीटर होता है वन हेक्टेयर बराबर। अब मैं हेक्टेयर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसे करें 100, इसे स्क्वायर करेंगे तो ये भी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर मतलब 10,000 का मल्टीप्लाई, इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा तो हमारा ये हमेशा यहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बस थोड़ा यहीं पर ट्रिक था, यहीं पर बच्चों में प्रॉब्लम होती है, बस ई एम आई एल इंटू बी होता है एरिया का, फिर बस यहाँ से सॉल्व करना था। ठीक है बस इतना था, कुछ नहीं था इसमें, जो चीज़ होती है मैं वहाँ बता देता हूँ। ठीक है चलो
क्वेश्चन नंबर एट कर लेते हैं। आर द ट्रायंगल पीस ऑफ प्लास्टिक सीट 1 मीटर बाई सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक सीट दी है, प्लास्टिक सीट है, एरिया निकालना, एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट। ठीक है, प्लास्टिक सीट, एरिया ऑफ प्लास्टिक सीट, एन इंटू बी होता। ठीक है, एन की वैल्यू दी हमारा 1 मीटर। ठीक है, अब बी की वैल्यू दी हमारे 70 सेंटीमीटर, ऐसे में मीटर बदल देंगे तो 0.7 मीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते 1 मीटर × 0.7 मीटर, दोनों यूनिट यूनिट सेम रखे, ऐसे में एक ही प्रॉब्लम होती है, यूनिट सेम, तो 0.7 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, और कॉस्ट के लिए क्या करना, बस जो 0.7 है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, जो हमें वैल्यू दी है 80 की, तो हमारा क्या है 0.30 चला जाएगा, और 85 तो कितना होगा 87 56 रुपीज़। बस इतना था, प्लास्टिक सीट का एरिया निकाले, एल इन टू भी हो जाएगा, ये हमारी लेंथ, यहाँ से थोड़ा चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करें 0.7 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई 0.7 मीटर स्क्वायर इसका रुपये का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है प्ले ग्राउंड है। ठीक है, प्ले ग्राउंड की देखो, ये हमारा प्ले ग्राउंड है, ये मान लिया मैंने प्ले ग्राउंड, ये हमारा प्ले ग्राउंड बन गया। ठीक है, इसका हमें क्या दिया, 35 ये दिए और 80 ये दिया। ठीक है, 80 दिए तो हमें क्या दें, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालना है इसका। ठीक है, तो इसका हमें कॉस्ट निकालने, हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इक्वल टू एल इंटू बी। अब एक बार देख लो, यूनिट सेम, हाँ यूनिट सेम है मीटर में, तो 80 × 35 0, 0, 24 और 4, 28 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। अब इसकी कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट निकालने के लिए 2800 और रुपए कितने दिए हमारे 4.5। तो एक एक जीरो से एक पॉइंट फिनिश। अब हमारा 28 हाँ यही से मल्टीप्लाई करना है, 40 ये हो जाएगा हमारा 1260 रुपीज से अच्छा ले लो, हाँ इतना ही। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एरिया निकाल लिया था, एरिया निकाल लिया, उसमें रुपए का मल्टीप्लाई कर दिया हम रुपए, थोड़ी जीरो और था। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें टाइम निकालना है, तो हम इसको टाइम में थोड़ा अच्छे से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब बताओ
तो हमें इसका पता क्या निकालना है, सबसे पहले हमें यहां से यहां तक 3 राउंड लगा। देखो एक राउंड यहां से कोई बंदा स्टार्ट हुआ, यहां से एक बंदा स्टार्ट हुआ और पर सेकंड चल रहा, मतलब 1.5 मीटर जो हमारा है पर सेकंड, ये दिया 1.5 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड चल रहा, तो मैं मीटर चला पर मीटर चला, और कितने राउंड लगाए उसने, 3 राउंड लगाए। तो 1 राउंड बराबर कितना हुआ, 3 टाइम्स 3 राउंड लगाए, तो 3 राउंड की वैल्यू कितनी है, 1 राउंड की होती है 2 पाई, सॉरी 2L+B, 1 राउंड की वैल्यू होती है इतनी, कितने लगाए उसने 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 6L+B। टोटल दूरी कितनी होती है, 3 दूरी, यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ 1, फिर 2, फिर 3, मतलब ऐसे नहीं बोल देंगे यहां से यहां तक ऐसे चला हुआ ऐसे, ठीक है ना, आपको उसको बोल समझ, ठीक। 3 राउंड लगाए, 1 राउंड की वैल्यू इतनी है 3 की 6, और 6L+B कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 8A5 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 13 और 6 और 3 9 और 6, 693 मीटर टोटल दूरी होगी। अब कितना चल रहा पर सेकंड चल रहा, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं 690, ठीक है, टोटल टाइम कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, 690/1.5, इसको वहां 0 कर, 690 ये 15, इसे डिवाइड करें, ये कहना है 60 में है, इसे मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई वो कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो 7 मिनट और कुछ सेकंड आ जाएगा, कुछ का 7 मिनट 40 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 7 मिनट कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 9 का ही पार्ट सेकंड था टाइम निकालने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। और ये मेरी छोटी सी कोशिश है, आप इसको सपोर्ट करेंगे तो ये हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।